आइए अब चैप्टर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में विद्यार्थियों के एक ग्रुप द्वारा यानी विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित कुछ आंकड़े एकत्रित किए। वो आंकड़े इस टेबल में दिए गए हैं। अब हमें प्रति घर माध्य पौधों की संख्या निकालनी है और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, ये भी बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो डेटा दिए हुए हैं उनको नोट करते हैं। इस क्वेश्चन में टोटल घरों की संख्या दी हुई है 20, यानी समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू 20। अब इस टेबल में देखते हैं। टेबल में पहला रो पौधों की संख्या है, जो कि एक क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, जिसका क्लास साइज 2 है। दूसरे रो में घरों की संख्या है, जिनका टोटल समेशन ऑफ FI 20 क्वेश्चन में गिवन है। आइए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न के अनुसार समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू 20। अब हम सबसे पहले XI निकालेंगे। XI इज इक्वल टू ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइडेड बाय 2। XI निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइडेड अपॉन 2। अब हम इसी फॉर्मूले के हेल्प से X1 निकालेंगे। X1 इक्वल टू 0 प्लस 2 अपॉन 2। 0 प्लस 2 इसलिए हुआ क्योंकि हमारा पहला इंटरवल 0 टू 2 है और हम पहले इंटरवल का वर्ग चिन्ह निकाल रहे हैं, इक्वल टू 1। इसी तरह दूसरे इंटरवल का वर्ग चिन्ह, दूसरा इंटरवल 2 टू 4 है, 2 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 3। इसी तरह तीसरे इंटरवल का 4 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू 5। इसी तरह हम बाकी के भी XI निकाल सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड से करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में दिए गए न्यूमेरिकल वैल्यू FI के न्यूमेरिकल वैल्यू और XI की न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, सो इसका मल्टीप्लीकेशन आसान होगा, इसलिए हम इसे डायरेक्ट मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड से करने के लिए हमें XI के साथ उसके संगत बारंबारता वाले FI के गुणनफल की आवश्यकता है। पहले हम इस गुणनफल को निकालेंगे, फिर उन सारे आंकड़ों को एक टेबल में पुट करेंगे। आइए पहले एक टेबल ड्रॉ करते हैं। आइए सबसे पहले हम इस टेबल को समझते हैं। इस टेबल में पहला कॉलम पौधों की संख्या है, दूसरा कॉलम XI यानी कि वर्ग चिन्ह है, तीसरा कॉलम घरों की संख्या यानी कि FI है, और चौथा कॉलम FI के साथ उसके संगत बारंबारता वाले XI का मल्टीप्लीकेशन है, और चौथे रो में FI के साथ उसके संगत बारंबारता वाले XI का गुणनफल है। हम देख सकते हैं जैसे XI का पहला टर्म 1 इंटू FI का पहला टर्म 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। इसी तरह हम बाकी के टर्म भी निकाल सकते हैं। अब हमें समेशन ऑफ FI XI चाहिए। समेशन ऑफ FI XI का मतलब होता है FI XI के हर टर्म का सम, यानी कि 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 35 प्लस 54 प्लस 22 प्लस 39। इनके टोटल सम को ही हम समेशन ऑफ XI FI कहते हैं। इनका टोटल सम होगा 162। और समेशन ऑफ FI वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है 20, फिर भी हम अगर इनके हर टर्म को सम करेंगे तो ये 20 ही होगा। आप देख सकते हैं इनको सम करके। अब माध्य प्रत्यक्ष विधि से, मीन डायरेक्ट मेथड से, x का माध्य इक्वल टू समेशन ऑफ XI FI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू 162 अपॉन 20 इज इक्वल टू 8.1। अतः प्रति घर पौधों की माध्य संख्या 8.1 है।